तो कैसे हैं आप सब। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि यामा की तरफ से FZ V4 आ सकती है, और भाई ये न्यूज़ 110% सच हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यामा की तरफ से नई FZ S आने वाली है इंडियन मार्केट में अपडेट होकर। बाइक में क्या क्या अपडेट हो सकते हैं, क्या प्राइस हो सकता है, क्या नए चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूँ। भाई कौन कौन वेट कर रहा था इस बाइक का, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग FZ S V4 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग यामा FZ S V4 के बारे में। देखिए आपको पता है कि इंडियन मार्केट में अभी यामा की जो बाइक्स है वो काफ़ी पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए भी यार क्योंकि यामा की बाइक्स में फीचर्स होता है, यामा की बाइक्स में पावर होता है, यामा की बाइक्स में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इस बाइक को इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि यामा की जो FZ S V4 है, यानी कि जो अपकमिंग है, V3 इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। और आपको ये भी बता दूं कि यामा का नाम बनाने वाली बाइक है भाई, यामा की R1 और आपकी FZ। बाकी अभी MT तो अभी आई है भाई, एक टाइम पे जब FZ चलती थी तो उसके सामने कुछ नहीं लगती थी, तो वो इंडियन मार्केट में यामा को बढ़ाने वाली बाइक है। तो अब इंडियन मार्केट में यामा को अपनी नई वाली FZ S V4 में जल्दी से जल्दी काम करके बाइक को इंडियन मार्केट में उतारना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने MT15 और R15 को तो उतार दिया, लेकिन अब पारी है भाई FZ की। अब दोस्तों बात आती कि यामा की FZ S V4 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला चेंज हम सभी जानते हैं, वो होने वाला है इस बाइक के पावर में। और अगर पावर में यामा चेंज नहीं करेगा तो फिर बाइक की जो सेलिंग है वो जैसे अभी डाउन है, हमेशा आगे भी डाउन हो रहेगी। क्या रीज़न है? देखिए यामा की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो FZ में आपको ऑलमोस्ट 12.4 के आसपास का पावर मिलता है। यार 150 cc में आप इतना कम पावर देख रहे हो, या आप यहाँ ये देख लो कि यहाँ पे आपको पता है कि पल्सर आती है 150 बजाज की, नॉर्मल बाइक जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी नहीं आती, उस बाइक में भी लगभग 14 PS पे के आसपास का पावर हमें देखने को मिल जाता है। तो आप यामा वालों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला चेंज होने वाला है दोस्तों पावर में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर में एटलीस्ट कम से कम 14-15 PS के आसपास का जो पावर है वो आप लोगों को नई वाली FZ S में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड चेंजेस के बारे में बात कर लें तो वह है दोस्तों इस बाइक का ग्राफिक एंड इसका डिज़ाइन। देखिए डिज़ाइन को लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि यामा क्या डिज़ाइन में काम करेगा। हालांकि भाई यामा अपनी बाइक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन लास्ट टाइम आपको बताया कि यामा की तरफ से इनकी नई MT-15 आई, जो कि डिज़ाइन में भाई हमें निराश की, डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ बाइक में कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी गई और थोड़ा नया एंड ग्राफिक कलर ऑप्शन ऐड किया गया है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि FZ S V4 में यामा जो है थोड़ा सा काम करेगी और बाइक में आपको नए ग्राफिक एंड नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, इसके जो चांसेस है काफी ज्यादा है यामा की तरफ से। नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करें तो वह इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ऐसा नहीं है कि भाई कोई दिक्कत है, फीचर जो है वो पूरे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कंसोल अगर आप देखेंगे तो बहुत आउटडेटेड लगता है, मतलब बहुत दिन पहले बनाया गया था, कुछ नया चेंज नहीं किया। तो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नया वाला जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा इसमें आपको नया LCD पैनल देखने को मिलेगा, नए फीचर्स भी मिल जाएंगे, और इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखने में जो कहा जा रहा है कि बहुत ही प्यारा होने वाला है। नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों तो है इस बाइक के सस्पेंशन को लेकर। अब सस्पेंशन को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि क्या यामा की नई वाली FZ S V4 में USD फोक सस्पेंशन आ सकते हैं। तो इसके जो चांसेस है मेरे हिसाब से थोड़े से कम है, इसलिए कम है क्योंकि अगर USD फोक सस्पेंशन यामा इस बाइक में देता है तो फिर इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और हर कंपनी को भाई बजट के हिसाब से बाइक उतारनी पड़ती है, क्योंकि अगर महंगी हो गई तो फिर आप बोलेंगे महंगी कर दिए, तो ये भी ऐसे सारे चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि 50-50 चांसेस है इसको लेकर कि आएंगे या नहीं आएंगे। नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों तो है इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम। अब ब्रेकिंग सिस्टम में ऑलरेडी बाइक में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यामा की FZ S V3 जो आई है, V2 में अच्छा था लेकिन V3 में थोड़ा सा ब्रेकिंग इशू हमें देखने को मिला है। तो कहा जा रहा है कि यामा की जो नई वाली FZ S V4 आएगी उसमें भी यामा इस चीज़ को ध्यान देने वाला है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ में नई ब्रेकिंग साइज में आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग बाइक में मिल जाएगी। वहीं दोस्तों बात कर ले इस बाइक के नेक्स्ट चेंजेस के बारे में,
तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई एफजेड एच जो वी फोर है उसमें जो प्राइस बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, कितना प्राइस बढ़ सकता है। देखिए अभी ऑब्वियसली बात है यार, कोई कंपनी अगर नई बाइक ला रही है, किसी बाइक को अपडेट कर रही है, नई चीज़ें ऐड कर रही है, तो भाई प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ेगा। इस बाइक में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इंडियन मार्केट इस बाइक का प्राइस 15 ज़्यादा हो जाएगा, 10,000 रुपये के आसपास का प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि आर एन फाइव और आपकी एम टी 15 में प्राइस बढ़ा है ना, वैसे ही प्राइस आपको मैं बताना चाहूँगा एम टी इसमें एफजेड एस में बढ़ने वाला है, और मुझे डाउट है कि ये भाई 110% बाइक का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों लाइट्स को भी लेकर थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि लाइट में क्या काम करेगा यामा, तो मेरे हिसाब से दोस्तों लाइट में थोड़ा काम करेगा। लास्ट टाइम यहाँ पे आपको जो टेल लाइट मिली थी नई एलईडी वाली वो अच्छी लगती थी, लेकिन नई वाली बाइक में आपको जो लाइट्स है वो भी थोड़ी और बेटर एंड थोड़ी और विजिबिलिटी वाली देखने को मिल जाएगी। बात कर ले लॉन्च डेट के बारे में, तो कहा जा रहा है आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर ये बाइक इंडियन मार्केट में उतारी जा सकती है। अब देखते हैं कब तक ये बाइक आती है, कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।